फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में जो कि एक फीचर्स होता है जिसको बोलते हैं आपका नेटवर्क वगैरह नहीं आता है, तो उस नेटवर्क को आप प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटे का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इंटरनेट या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है आपको जाना होगा इधर, इस पर क्लिक करना होगा मोबाइल इंटरनेट पे। उसके बाद सिम कार्ड 1, 2, 3 जो भी होगा आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे दिख जाएगा 1, 2, 3 जो भी है। तो मेरे पास 2 सिम कार्ड है, तो मैं ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, इसमें सिम लगा हुआ है। तो सिम इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेपर नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको 4G, 3G, 2G वाले नेटवर्क पे सेलेक्ट करना है। अगर इन सब पे सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपका इंटरनेट बिल्कुल भी सही नहीं चलेगा। तो ये फर्स्ट वाले पे क्लिक है। अगर पहले से भी क्लिक हो तो आपको फर्स्ट वाले क्लिक करके उसके बाद दोबारा से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना ताकि रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद एक्सेस नेम पॉइंट पे जाएंगे। अगर आपका कोई भी सिम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, वो है 3 डॉट और यहाँ पे रीसेट टू डिफॉल्ट, इस पे क्लिक करना है। और इससे डेटा वगैरह बिल्कुल भी नहीं उड़ता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कम्प्लीटली हो चुका है, इससे आपका कोई भी डेटा वगैरह नहीं उड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे ढूंढना होगा। तो एडिशनल सेटिंग नहीं है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सिस्टम पे क्लिक कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको चेक करना होता है, अगर अपडेट के द्वारा भी आपके प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है, अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया है तो उसको डेफिनेटली आपको अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अपडेट से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो अपडेट करना मैं आपका बाद में बताऊंगा, उससे पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। इसके लिए ये तरीका क्या है कि यहाँ पे आपका जैसे ब्लूटूथ वाईफाई नेटवर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है तो इससे भी आप अपना प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से बस आपको इस पर क्लिक करना है, इसको रीसेट करना है, इससे भी आपका डेटा वगैरह नहीं उड़ेगा। देख सकते हैं ये नेटवर्क को रीसेट कर दिया। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ ये ऊपर वाला है, इसी को आप रीसेट कीजिएगा, बाकी किसी को मत कीजिएगा, ये ऊपर वाला इसी को करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक करना है और अपडेट से रिलेटेड मैंने जैसे आपको बताया था, अपडेट चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वापस से सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आपको बैकअप दिखेगा और यूज़र अपडेट, आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको मैं बैक कर लेता हूँ, अपडेट मैं यहाँ पे चेक करूँगा, ये रहा सिस्टम अपडेट। तो आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में अपडेट आया हुआ है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा इस अपडेट के जरिए, पहला नंबर तो आपको सिक्योरिटी इंप्रूव किया जाएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा, ये अपडेट करेंगे और ये करीब करीब है 227 MB की अपडेट अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ब्लूटूथ कम्प्लीटली ब्लूटूथ प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा, यहाँ पे फिक्स लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग ऑडियो कनेक्टिंग ये सब वगैरह प्रॉब्लम होगा तो। और यहाँ पे एक नोट पैड होता है उसको भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, सिस्टम को अपडेट किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ है जो कि अपडेट के जरिए फिक्स किया जाता है। तो इसको अपडेट कर ले, फिलहाल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप इसको अपडेट पर क्लिक कर दीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए आपका, उसके आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप की जानकारी आपको पसंद आएगी।